चतुर्वेदी जी एक बात बताइए कि सापा और भाजपा भाजपा का जो गठबंधन हुआ है, क्या आपको लगता है ये लोकसभा चुनाव में कुछ चमत्कार कर पाएगा? नहीं सर, क्या है कि भाजपा और सपा का गठबंधन फायदेमंद तो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सबसे अधिक वोट बैकवर्ड का और हरिजन जाति का है, और जब जे और जे ही दोनों वोट सपा और बसपा के बेस वोट बैंक हैं, इन दोनों के मिलने से पार्टियों को फ़ायदा तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जहाँ तक है अब टिकट पर निर्भर करता है किसको टिकट मिलता है, जिसको टिकट मिलेगा वो भी इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कांग्रेस से प्रियंका गांधी को उतारा गया है, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस का बेड़ा पार प्रियंका गांधी कर पाएंगी? नहीं सर, युवा चेहरा तो है, लेकिन क्या है कि कांग्रेस को अभी उभरने में बड़ा टाइम लगेगा, और प्रियंका जी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। युवा चेहरा है, मेहनती हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी यूपी की जनता खासकर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि राहुल जी जनता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने जो कहते हैं वो साफ अपनी बात पे ही कायम नहीं रह पाते। क्या मानते हैं इतने सारे लोगों का गठबंधन हो रहा है, इससे भाजपा को खास तौर से नुकसान होने की संभावना है? यस सर, भाजपा को इसलिए नुकसान होने की संभावना है क्योंकि हमारे ही झांसी ललितपुर लोकसभा से जनता ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ उमा भारती को भाजपा की प्रत्याशी थी जिताया था, लेकिन 5 साल जनता उनको देखने को तरस गई, चाहे प्रेस हो चाहे आम जनता हो, अपने यहाँ कोई समस्या सुना पाई, और जिन वादों के साथ वो चुनाव मैदान में उतरी थी वो एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाई। सपा और भाजपा का जो गठबंधन हुआ है, उससे क्या आप मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ चमत्कार दिखेगा? देखिए, हम मऊरानीपुर में खड़े हैं और यहाँ की ज़मीनी हकीकत जो है वो ये है, ये दो जातियाँ हैं, एक अहीर और एक अहिरवार, इन दोनों जातियों में ज़मीनी लेवल पर बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब ऊपर से गठबंधन होने से नीचे के वोटरों पर क्या फ़र्क पड़ता, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्या मानते हैं कि गठबंधन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी को उन्होंने उतारा है, क्या मानते हैं उनका वो बेड़ा पार कर पाएंगे? 2-4 सीटों पे कुछ हो सकता है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं होने जाने वाला। वो जो उनकी परंपरागत सीटें हैं उसके बाहर मुझे नहीं लगता कि वो कोई छवि अपनी रखती। भाजपा को इन सब के गठबंधन से क्या सीधा नुकसान पहुंचने की संभावना आप मानते हैं? कांग्रेस भी अगर गठबंधन में थोड़ी सी साथ होती तो हो सकता है कि भाजपा को 10 से 20% तक नुकसान होता, लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं यहां पर, ऐसे में मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई भी भाजपा को नुकसान होगा। ये बताइए, इस बार सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन में कितना फ़ायदा होगा इन पार्टियों को? देखो, ऐसा है ना कि देखो, पार्टी को तो फायदा होगा ही जब एकजुट होगी तो, है बशर्ते क्या है कि जो वोटिंग है आजकल मतदाता बहुत समझदार हो गया है तो इस हिसाब से मत करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है भाजपा को नुकसान होगा कि नहीं? नहीं नहीं, बराबर की टक्करी होगी, टक्कर बराबर की होगी। सपा बसपा का गठबंधन में उनको फायदा तो नहीं होने वाला है? फायदा नहीं होगा। नहीं, आपको क्या लगता है इस बार फायदा किसे मिलेगा? बीजेपी को फिर से मिलेगा, फिर से बीजेपी को फायदा मिलेगा। अच्छा, जो कांग्रेस की जो चेहरा बनी है इस बार प्रियंका गांधी जी, इन क्या ये कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगी? हमारे अंदाज से तो नहीं हो पाएगा। नहीं, गठबंधन होने के बाद इन पार्टियों को कितना फायदा मिलेगा? इनको 70% फायदा, 70% फायदा मिलेगा। अच्छा, और ये बताइए, क्या कांग्रेस की जो चेहरा बनी है प्रियंका गांधी इस बार, तो क्या ये कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगी? नहीं, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसमें नुकसान कितना होगा? नुकसान 5-10% बीजेपी का होगा। इन पार्टियों को जो ये क्षेत्रीय दल हैं, इनको अपने क्षेत्रों में तो फायदा होने ही वाला है, क्योंकि एक पार्टी दलितों से जुड़ी हुई है और एक पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई है जी, और जो पिछड़ा वर्ग है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, दलित वर्ग बीएसपी के साथ है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में इन दोनों जातियों का बाहुल्य है जी। बिल्कुल, एक बार विधानसभा में भी गठबंधन हुआ था मुलायम सिंह जी का, मायावती जी का, तो एक तरफा सरकार इन्होंने बनाई थी। बिल्कुल, इस बार भी संभावना यही दिख रही है। नुकसान कितना होगा, किसको होगा? नुकसान भाजपा को होगा, क्योंकि भाजपा की ही सीटें हैं, कांग्रेस का तो कुछ वजूद ही नहीं है यूपी में। अच्छा, कांग्रेस का जो चेहरा प्रियंका गांधी हैं इस बार, हाँ, क्या लगता है वो कांग्रेस को कुछ बढ़त दिला पाएंगे कि नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई बढ़त नहीं होगी कहने की बात है, ग्लैमर खत्म हो गया गांधी परिवार का। सपा बसपा को ऐसा है कि बसपा का वोट तो सपा को नहीं मिलना है, ये पक्का है, भले ही सपा का वोट बसपा को मिल जाए। अच्छा,
क्योंकि वोट किसी का बना हुआ तो है नहीं। मायावती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रही हैं, लेकिन उनके रहते हुए उन्होंने हर जनों का कोई भलाई नहीं किया। वो क्यों बात मानेंगे, क्यों किसी को वोट देंगे, उनको दे सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा किसे होगा? इसको फायदा भाजपा को होगा, भाजपा को फायदा होगा। क्या आपको लगता है भाजपा इस बार फिर से आएगी? भी भाजपा आएगी, भाजपा सरकार बनाएगी, भाजपा सरकार। अच्छा, ये कांग्रेस का जो चेहरा बनी है इस बार प्रियंका गांधी, क्या वो बेड़ा पार कर पाएंगे? नहीं 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 कर पाएंगी, बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। तो टोटल इसमें यार केंद्र में सरकार किसकी होगी? हैं, भाजपा की होगी। जो कांग्रेस का जो चेहरा बनी है प्रियंका गांधी, क्या ये कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगे? अरे वो यूपी में कछु नहीं होना उनको। अच्छा, भाजपा को कितना फायदा होगा? भाजपा को तो ये जो जो ने करो हुई है तो वही हिसाब से फायदा हुई है। हमारी बनाम मतलब लगभग कितना केंद्र में सरकार? केंद्र में सरकार तो भाजपा की जान है। सही, इस बार जो प्रियंका गांधी का जो चेहरा है इस बार बनी है, का क्या लगता है वो कांग्रेस का बीड़ा पार कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में कितनी प्रियंका गांधी को हम उनमें देख रहे हैं, सोनिया गांधी के रूप में? नहीं, वो उत्तर प्रदेश में कितनी बढ़त कर पाएंगी? वो 90% 90%। और इसमें नुकसान किसको? बीएसपी को और बीजेपी को। बीजेपी को नुकसान? हाँ, कितना नुकसान होगा? हो सकता है 90%। केंद्र में सरकार किसकी? जो उनको नहीं चाहेगा वो कांग्रेस को चाहेगा। केंद्र में सरकार किसकी होगी? कांग्रेस की। इस बार लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी? जीत अखिलेश यादव जी की होगी, हमारी पार्टी। अखिलेश यादव ने तो गठबंधन कर लिया। नहीं, गठबंधन से उसे कुछ नहीं मालूम क्या, सारी बुंदेलखंड। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव बनेंगे? माननीय मुलायम सिंह। नहीं, अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव बनेंगे, मायावती नहीं बनेंगे? कुछ नहीं मालूम क्या, ना भाजपा के ना ये बनेंगे मालूम क्या, ना प्रधानमंत्री ये नरेंद्र। गठबंधन तो है ना? गठबंधन से क्या होता, माननीय अखिलेश जी हमारे मालूम क्या मुख्यमंत्री। मतलब आप अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनना देख रहे थे? कांग्रेस का चेहरा इस बार प्रियंका गांधी है, क्या यूपी में बढ़त होगी? नहीं होगी, उतनी उनकी यहाँ पर नहीं है, वो इसी तरफ होगी प्रियंका को। अच्छा। यहाँ तो अखिलेश। फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा? उनको तो नुकसान ही होगा, लेकिन अखिलेश जी को मायावती को फायदा होगा। नुकसान किसे होगा इस बार? सर कांग्रेस को, मोदी जी को। सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से कितना फायदा होगा इन लोगों को? इसमें फायदा होगा कम से कम 100 में 100%। 100 में 100%। अच्छा, ये बताइए कितना मतलब लोग उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी इनकी? कम से कम इनकी 65 सीटें। 65 सीटें आएंगी। अच्छा, और जो कांग्रेस का जो चेहरा प्रियंका गांधी है, क्या वो कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश में उनका कोई जनाधार नहीं है कांग्रेस का। इस बार बीजेपी को कितना नुकसान है? बीजेपी को पूरा नुकसान है। ये बताइए इस बार सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से इन लोगों को कितना फायदा होगा? हो सकता है फायदा हो जाए और ना हो, दो ही बात है। अच्छा, केंद्र में सरकार किसकी होगी? वैसे हमारे ख्याल से भाजपा की हुई है सरकार। सरकार केंद्र में भाजपा की होगी। सरकार से मतलब नहीं है भैया, अपना अपन लोगों को रोज करना है, रोज खाना है। गठबंधन में यूपी में कितनी बढ़त कर सकते हैं? अबे जीरो से 5 आदमी 10 आदमी बस। जीरो से 5 तक पहुँच सकते हैं, 10 तक बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, केंद्र में सरकार किसकी होगी? अब भैया आपने कहा कोई भी या अच्छा, कांग्रेस कितना आगे बढ़त कर सकती है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की तो अब उतनी आशा नहीं है, बस गठबंधन है, बाद में बंद है, बात अलग है। तो ना अगर गठबंधन सक्सेस होता है, ना कांग्रेस सक्सेस होती है, तो क्या भाजपा को फायदा मिल ही पाता है? जो कांग्रेस का जो चेहरा इस बार प्रियंका गांधी है, आपको क्या लगता है कांग्रेस में वो बढ़त कर पाएंगे इस बार? नहीं, यूपी में तो नहीं कर पाएंगे बढ़त, यूपी में नहीं कर पाएंगे इस बार कांग्रेस। यूपी में सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा लोकसभा में? इसमें सब बीजेपी को होगा और किसी को नहीं, बीजेपी जाएगी। बीजेपी जी। लेकिन केंद्र में सरकार किसकी बनेगी इस बार, ये बताएंगे? अगर जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र में महागठबंधन हुआ है और क्षेत्रीय पार्टियां हर प्रदेश में मजबूत हैं, उस हिसाब से अगर सीटें मिल रही हैं तो एक महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है, हाँ, आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा इन लोगों? उससे डर लग रहा है बीजेपी को। बीजेपी को डर लग रहा है? डर लग रहा है। अच्छा, यूपी में कितनी प्रतिशत इन्हें फायदा मिलेगी? जो लोग 80% है और बीजेपी 20%। बीजेपी 20% है। अच्छा, जो कांग्रेस का जो चेहरा है, हाँ, इस बार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, हाँ, क्या ये चेहरा यूपी में काम आएगा? बिल्कुल आएगा काम में। कितने प्रतिशत ये काम चलेगा? बढ़ाएगा ना, 20% तो बढ़ा ही लीजिए लोग। गठबंधन से विकास कार्यों में और अन्य चीज़ों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ जाति जो वोट, जातिगत जो वोट है उत्तर प्रदेश में, वो समेट के एक मंच में जरूर आएंगे। इससे कोई ज़्यादा हमारी समझ से कोई ज़्यादा घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। गठबंधन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पूर्व में भी कई बार गठबंधन हुआ है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन का मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं है। जो कांग्रेस का जो चेहरा प्रियंका गांधी है, क्या वो कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जो अस्तित्व है,
सपा बसपा की गठबंधन होने से और ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो उनका पराग वोट है वो सपा और बसपा में सिमट गया है। इससे जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अब हम लोग साथ में मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जो अपने जो अदर लोग हैं उनको सब इकट्ठा करके चुनाव लड़ाएंगे, इससे हमको बहुत फ़ायदा होगा, हम लोग सीट जीतेंगे। जो उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी जो चेहरा बनाया है कांग्रेस जी, तो प्रियंका गांधी के चेहरे होने से तो क्या कितना क्या फ़ायदा? अरे इससे कुछ ना उनको कुछ फ़ायदा होगा, ये तो सब झूठ मार उनका, तो वो है ही कांग्रेस अपना चलाती है, बीजेपी अपना चलाती है, कहीं कुछ नहीं है उनका, क्या वजूद है बताइए। भाजपा को कितना क्या फ़ायदा नुकसान होगा? भाजपा को तो बिल्कुल साफ, भाजपा तो साफ हो जाएगी, भाजपा को तो बहुत नुकसान होगा सपा बसपा के गठबंधन से। ना तो गठबंधन में कितना फ़ायदा होगा? हमारी समझ में तो ना होगा, नहीं होगा। अच्छा, और जो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को चेहरा बनाया है, कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा? गांधी परिवार की तो राजनीति ही खत्म है, गांधी परिवार की राजनीति खत्म है। आपको क्या लगता है भाजपा भाजपा भारत की सबसे अच्छी पार्टी है और सबसे अच्छा प्रबंध दे रही है? तो इस लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको? फिर से भाजपा की सरकार बनना चाहिए। इन पार्टियों को इसलिए फायदा होगा कि दोनों दल एक हो गए, ठीक है, इसलिए है जो सपा को बसपा की ताकत मिल गई और बसपा को सपा की ताकत मिल गई, इसलिए केंद्र में सरकार बनना चाहिए इस बार। या मायावती जी बैठेंगी या पे है जो अखिलेश जी बैठेंगे। भाजपा को इसलिए नुकसान है कि अगर दो लाठियां अलग अलग कर दो तो दोनों टूट जाएंगी, एक एक करके तोड़ दो, अब दोनों इकट्ठी हो गई तो उनको ताकत मिल गई। इस गठबंधन से इन पार्टियों को कितना फायदा होगा? भाई देखो फायदा तो होगा, कितना फायदा होगा अब ये नहीं बता सकते हम कि फायदा कितना होगा, लेकिन फायदा होगा, लेकिन आएगा फूल ही फूल। क्यों आएगा? आएगा बेईमानी से, वो कुछ भी हो इससे क्या मतलब हुआ, वो ऐसा काम ही कर रहा है भाई, काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को चेहरा बनाया है, तो क्या कांग्रेस का बेड़ा पार प्रियंका गांधी कर पाएंगे इस बार? जे नहीं बता पाएंगे हम कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अच्छा भाजपा को कितना फायदा कितना नुकसान होगा इस गठबंधन से? अब देखो भाई एकता जब होती है तो वो अकेला पड़ गया तो वोट तो आदमी उसी को देंगे, सभी हो गए ये लोग तो वोट तो उसी को मिलना है, फूल को, फूल को जाएगा। ये बताइए इस गठबंधन से भाजपा को कितना नुकसान है? कम से कम पिछली चुनाव से 100 सीटें हारेंगे जी, 100 सीटें हारेंगे कम से कम इस बार हारेंगे। क्या नाम है आपका? रामगोपाल। रामगोपाल जी ये बताइए सपा बसपा का इस बार जो गठबंधन हुआ है कितना फायदा होगा? भैया आप कुछ नहीं बता सकते हम। कांग्रेस क्या फायदे में रहेगी इस बार? कांग्रेस को तो नहीं रहेगी। भाजपा को कितना नुकसान है? भाजपा और सपा में चलेगी, भाजपा और सपा में चलेगी बस। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो भाई मोदी जी। पटेरिया। पटेरिया जी ये बताइए इस बार सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है कितना फायदा होगा लोकसभा में? कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस क्या बढ़त कर पाएगी इस बार? नहीं, बीजेपी आएगी, बीजेपी फिर से आएगी। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी। इस बार लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा इन्हें? इसमें 20-30%। 30%। अच्छा, और यूपी में कितने मतलब कितनी सीटें आने की संभावना है? इसमें अधिक से अधिक सीटें आएंगी यूपी में। यूपी में अधिक से अधिक सीटें आएंगी। कांग्रेस का चेहरा प्रियंका गांधी है, कांग्रेस इस बार क्या कांग्रेस इस बार बढ़त कर पाएगी? हाँ बिल्कुल करेगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा इसमें? भाजपा को। लोकसभा में फायदा तो होगा, चूल में जो पहले 72 सीटें जो थी अब सीटें बढ़े, सपा बसपा बसपा का जो खाता नहीं खुला था संभवतः खाता खुल जाएगा। खाता खुलेगा? हाँ खाता खुलेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी सीटें आएंगी? अब ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आदमी प्रधानमंत्री का चेहरा ना होने के कारण जो अंदर की जड़ में नरेंद्र मोदी की मजबूत जड़ें हैं इस बार। तो फायदा नुकसान हुआ, जो नई जनरेशन 18 साल का जो वोटर 21 साल का नया हुआ है वो उसके मन में नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा नाम नहीं है, अभी कोई नाम नहीं, नाम नहीं है। तो केंद्र में सरकार इस बार फिर क्या अभी मोदी जी बनेंगे? तो पूरा देश के हिसाब से निर्णय होगा, वैसे हमें लग रहा है कि ऑप्शन नहीं है, युवाओं के साथ में ऑप्शन नहीं है, मोदी फिर से आएंगे। जातिगत आधार पे क्या निर्णय बनते हैं वो बात एक अलग हो जाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑप्शन नहीं है, मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।